Hello friends, welcome back to Ever Study Classes. As you know that we are running a 5-minute series on our platform for NET and SET Commerce and Management exam, and the topic for today's discussion is Schools of Thoughts on CRM. इसके अलावा हमारे और भी कोर्सेज हैं पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए, जो है यूनिट स्नैपशॉट नोट्स, यूनिट वाइज पास्ट पेपर्स एक्सप्लेन्ड, टेस्ट सीरीज जिसमें हमारे पास 3500 प्लस MCQs है, प्रैक्टिकल यूनिट्स वीडियो कोर्स, फुल वीडियो कोर्स एंड ऑल पेपर 2 कोर्सेज कॉम्बो. इसके अलावा पेपर 1 जनरल पेपर के लिए भी मिनी कॉम्बो पैक www.everstudy.co.in पर अवेलेबल है. तो सबसे पहले देखते हैं कि CRM क्या होता है. CRM या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक टेक्नोलॉजी है जो कंपनी की रिलेशनशिप और इंटरैक्शंस को उसके कस्टमर्स और पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ मैनेज करने में कंपनी की हेल्प करती है. यहाँ पर हमारा गोल होता है बिजनेस रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करना. CRM सॉल्यूशन हमारी हेल्प करता है कस्टमर, सर्विस यूजर्स और सप्लायर्स के साथ ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशनशिप पर फोकस करने में थ्रू आउट योर लाइफ साइकिल विद देम. और इसमें हम नए कस्टमर्स को भी फाइंड करने की कोशिश करते हैं जिनके साथ हम बिजनेस कर सकते हैं, और उनके साथ हम अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं और एडिशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं जिससे वो ज़्यादा लंबे टाइम तक हमारे साथ बने रहें. अब डिस्कस करते हैं स्कूल्स ऑफ थॉट्स ऑन CRM. सबसे पहले है थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल मार्केटिंग एंड परचेजिंग ग्रुप. इंडस्ट्रियल मार्केटिंग एंड परचेजिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग बायर्स और सेलर्स दोनों ही अपनी रिस्पेक्टिव चैलेंजेस के सोल्यूशन को ढूंढने के लिए ट्रांजैक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. बायर और सेलर की रिलेशनशिप नॉर्मली बहुत क्लोज और लॉन्ग टर्म होती है. ये रिलेशनशिप इंटरपर्सनल बॉन्ड, बिजनेस के बीच के कनेक्शंस और उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को कंपोज करती है. और जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं कस्टमर और बिजनेस के बीच में, वो उनकी रिलेशनशिप की हिस्ट्री के बेसिस पर होती है. नेक्स्ट आता है थ्योरी बाय नॉर्डिक स्कूल. नॉर्डिक स्कूल ऑफ थॉट सप्लायर और कस्टमर की रिलेशनशिप पर एम्फेसाइज करती है. यहाँ पर रिलेशनशिप मार्केटिंग के ट्रिपलेट्स को आइडेंटिफाई किया गया है. सबसे पहला है इंटरैक्शन. जब कस्टमर्स और सप्लायर्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो दोनों ही एक दूसरे को कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं. कस्टमर सप्लायर को इन्फॉर्मेशन देता है और सप्लायर उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट आता है डायलॉग. यहाँ पर कम्युनिकेशन बायलेटरल होती है. बायलेटरल से हमारा मतलब है कि बायर्स और सेलर्स दोनों ही अपनी बात कहते हैं, और ये ज़रूरी भी होता है हमारी रिलेशनशिप के सर्वाइवल के लिए. नेक्स्ट आता है वैल्यू. अब बिजनेस को कस्टमर्स की प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए ही कुछ प्रोडक्शन करना है, और जो भी प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है वो कस्टमर को अपने यूज़ का भी लगना चाहिए, तभी वो उसे परचेज करेगा. नेक्स्ट आती है थ्योरी बाय एंग्लो ऑस्ट्रेलियन स्कूल. एंग्लो ऑस्ट्रेलियन थ्योरी का ये कहना है कि रिलेशनशिप्स कस्टमर के व्यू पॉइंट से तो बहुत इंपॉर्टेंट होती ही हैं, लेकिन बिजनेस के स्टेक होल्डर्स जैसे कि एम्प्लॉयज़, सप्लायर्स और गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इस थ्योरी ने ये भी बताया कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कस्टमर रिटेंशन दो मेन वैल्यू ड्राइवर्स होते हैं किसी भी बिजनेस के. वैल्यू ड्राइवर से हमारा मतलब है वो एक्टिविटीज़ जो हमारे बिजनेस के प्रॉफिट्स को इंक्रीज करती हैं, रिस्क को रिड्यूस करती हैं और बिजनेस की ग्रोथ को प्रमोट करती हैं. नेक्स्ट थ्योरी आती है थ्योरी बाय नॉर्थ अमेरिकन स्कूल. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स कॉस्ट को रिड्यूस करती हैं, और इन सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स भी बताए गए हैं, जो है ट्रस्ट और कमिटमेंट. इस थ्योरी में ट्रस्ट और कमिटमेंट को कनेक्ट करके ये स्टेट किया गया है कि हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट और कॉपरेट करके और अपने आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करके ट्रस्ट को क्रिएट कर सकते हैं. यहाँ पर कमिटमेंट को लिंक किया गया है हाई रिलेशनशिप टर्मिनेशन कॉस्ट और रिलेशनशिप बेनिफिट से. नेक्स्ट थ्योरी आती है थ्योरी बाय एशियन स्कूल. ये थ्योरी लॉर्ड बुद्धा की सोशल कंडक्ट्स और एक्ट्स ऑफ रेसिप्रिकेशन की टीचिंग्स पर बेस्ड है. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लोग एक ही फैमिली, फ्रेंडशिप या सेम क्लान फेलोशिप में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इनफॉर्मल सोशल रिलेशनशिप्स की वजह से वो रिसोर्सेज को एक्वायर करने के लिए फेवर्स एक्सचेंज करते हैं और एक दूसरे के साथ कॉपरेट भी करते हैं. आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा. तो ये है आज के टॉपिक पर बेस्ड आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन. आप इसे अटेम्प्ट करिए और आपके जो भी आंसर्स हैं उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिए. थैंक यू.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन रीच अस एट द डिटेल्स मेंशन ऑन योर स्क्रीन. यू कैन डाउनलोड द PDF ऑफ दिस वीडियो फ्रॉम आर टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आर फ्री लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर. फॉर फुल कोर्सेज प्लीज़ विजिट www.everstudy.co.in. थैंक यू.